बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एडमिशन 2023 के हवाले से। जीसी फैसलाबाद की एडमिशन 2023 के हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि एडमिशन कब ओपन होंगे। उस हवाले से बड़ी तमाम डिटेल जो है, कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन होंगे, एडमिशन टेस्ट लेगी, किस बेस पे जो है वो एडमिशन होंगे, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिटेल में आपसे जो है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें कि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की, मेरिट लिस्टों की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो उसके लिए आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जीसी फैसलाबाद की एडमिशन 2023 के हवाले से, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन मतलब एडमिशन टेस्ट लेती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जीसी फैसलाबाद अपना एडमिशन टेस्ट नहीं लेती। तो फिर ये जो है एडमिशन किस बेस पे देगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उसमें अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊँ तो बीएस फूड साइंस, बीएस जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, उसके साथ साथ बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, उसके अलावा एमएलटी, उसके अलावा आरआईटी, डीपीटी और उसके साथ साथ जो बाकी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑफर किए जाते हैं। तो बाकी तमाम प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग के जितने भी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, तमाम प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसमें जो है बाकायदा तौर पर स्कॉलरशिप्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती हैं और उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं इसमें भी उन तमाम प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके एडमिशन जो है वो ओपन कब होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई एडमिशन की, क्योंकि हर साल जो है इसका एक ही शेड्यूल है, जब जो है सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद जाकर ये अपने एडमिशन जो है वो ओपन करती है, क्योंकि ये जो एफएससी के आपके मार्क्स हैं उनकी बेस पे आप जो है आपका मेरिट बनाती है, एडमिशन टेस्ट नहीं लेती। तो आपके एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पार्ट्स के जो है नंबर हैं उनकी बेस पे जो है वो एडमिशन देती है। तो जैसे ही आपको जो है सितंबर में जाके आपका रिजल्ट आएगा सेकंड ईयर का, तो उस वक्त जो है जाकर फिर इंशाल्लाह इसके एडमिशन ओपन होंगे और नवंबर तक इसके एडमिशन जो है वो चलेंगे बीएस प्रोग्राम्स के। तो इसका मेरिट भी इतना ज्यादा नहीं है, उतना नॉर्मल मेरिट होता है और एडमिशन टेस्ट भी नहीं होता, आपके एफएससी के मार्क्स की बेस पे इसका एडमिशन जो है वो दिया जाता है। तो ये वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन इसकी आज की वीडियो में आपसे शेयर करनी थी। इसके अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट्स आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो इसकी फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसकी जो फ़ी है, अगर मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की बात की जाए तो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की 20 से लेकर 28,000 के दरमियान और इवनिंग की जो फ़ी है वो 35 से 45 के दरमियान होती है। जैसा कि फूड साइंस की फ़ी इसकी इवनिंग की 38,000 है, 38,000 जो है वो इवनिंग की फ़ी है इसकी फूड साइंस की। तो इसी तरह जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं होती, नॉर्मल फ़ी होती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत, और मेरिट भी इतना जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है जीसी फैसलाबाद में तो आपको मैं इसकी रैंकिंग के लिहाज से भी बता देता हूँ। तो इसकी रैंकिंग के लिहाज से भी ये सेकंड नंबर पर है और एक अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो आएगा, मैं मजीद आपसे जो है इसकी एडमिशन की, मेरिट लिस्टों की अपडेट्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा इसी चैनल पर। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा इसी चैनल पे। बाकी मजीद कोई सवाल हो आपका इस हवाले से तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप जाकर जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है उस पर व्लॉग चेक करें। अगर आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो व्लॉगिंग चैनल को भी लाजमी तौर पर कर लें सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।